अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहरुख गोरखपुर बर्ड सोसाइटी से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाहरुख बर्ड लवर। दोस्तों, आज हमारे गोरखपुर में इलेक्शन का दिन है और आज हमारी छुट्टी है, हमारे सभी भाइयों की छुट्टी है, तो सभी लोग यहां पे आए हुए हैं और अभी आगे मैं बताता हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम भाई सभी लोगों को। ये देखिए यहाँ पर ये शेष भाई बैठे हुए हैं और सामने ये हमारे ब्रजेश भाई हैं और इसके बगल में ये हमारे शानू भाई हैं, ये भी कॉकटील के बहुत अच्छे ब्रीडर हैं और शमसुद्दीन भाई को तो आप लोग जानते ही हैं और ये हमारे कामरान भाई हैं बीच में बैठे हुए हैं और ये जिशान भाई हैं। तो ये जो है आज ये लोग आए हुए हैं हमारे घर पे और देखिए ये ब्रजेश भाई काफ़ी खूबसूरत एक गिफ्ट लेके आए हैं मेरे लिए। ये पार्ब्लू और लोटिनो फिशर का जो है पेयर से निकला हुआ बच्चा है, सेबल में है, तो ये ब्रजेश भाई ने लेके आया हुआ है मेरे लिए। तो इसको भी अभी हम ले चलेंगे छत पे अवेरी में और इसके पैरों में हम रिंग भी डालेंगे और डीएनए के लिए भी इसको भेजेंगे। और साथ ही साथ शेष भाई के वहाँ देखिए ये बॉक्स बन के रखा हुआ था सनकनूर का काफ़ी दिनों से, तो मौका था कि आज छुट्टी थी तो लोगों ने कहा कि आज जो है सारा काम निपटा दिया जाए। तो अभी हम चलेंगे ऊपर और बाकी की चीज़ें हम ऊपर आपको चल के अवेरी में दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब हमको इस लबर्ड को ये रिंग पहनानी है जो कि मेरे नाम से है, शाहरुख जी के पी के, मैंने बनवाई है लबर्ड की रिंग। तो ये कट रिंग है दोस्तों, क्योंकि जो भी एडल्ट अगर हम ख़रीदते हैं या पट्ठे ख़रीदते हैं, अगर बहुत से जगहों पे उनके पैरों में रिंग नहीं होती है तो हमें अपनी कट रिंग डाल के उनका डीएनए कराना होता है। तो इस तरीके की लबर्ड की रिंग है और अब मैं आपको लबर्ड की रिंग पहना के दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से इनको डाल देते हैं पैर में और हल्के पतले प्लास से इनको दबा देंगे जिनका दोनों सिरा बिल्कुल चिपक जाए, उसमें गैपिंग ना हो, क्योंकि गैपिंग अगर रहती है दोस्तों तो अक्सर लबर्ड जो है कट रिंग जो है जाल में फंस जाती है, जिसकी वजह से उनका पैर फंस जाता है और अक्सर इस कंडीशन में दोस्तों लबर्ड के पैर टूट जाते हैं या वो लटक के काफ़ी देर तक लटके रहने से उनकी मौत भी हो जाती है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि जब भी आप रिंग पहनाएं तो उनको बिल्कुल टाइटली जो उसका गैप है वो ख़त्म कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं और भी कुछ लबर्ड मेरे पास पड़े हुए हैं जो कि मैंने डीएनए के लिए रोका था। इसमें एक पीस लोटिनो फिशर रेडाई है, एक पीस पार्ब्लू है और दो पीस वायलेट फिशरी है जो कि पार्ब्लू स्प्लिट है। तो इन सब का भी मुझे डीएनए भेजना है, तो मैं सैंपल इनका निकलवा लेता हूँ अभी। तो दोस्तों मैंने यहाँ देख सकते हैं तीनों चारों सैंपल मैंने निकाल लिया है और अब मैं इनको सैंपल के लिए भेज दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न में मुझे दो चार पेयर थोड़े अच्छे लगाने थे हाई मोटेशन में, पार्ब्लू वगैरह। तो अभी कुछ एक आध दो पेयर और मेरे आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो जब आ जाएंगे तो मैं उनकी भी वीडियो आप लोगों को दे दूँगा। और दोस्तों बस मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि काफ़ी लोग घर पर आए थे, तो काफ़ी खुशी होती है कि ऐसे छुट्टी में जब हमारे बर्ड से रिलेटेड दोस्त यार घर आते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है एंटरटेनमेंट हो जाता है और गेट टुगेदर हो जाता है, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।